संदिग्ध हालत में मिला वृद्ध का शव, पुलिस जांच में जुटी, अज्ञात पर मामला दर्ज। जतारा थाना क्षेत्र के ग्राम कंदबा में 70 वर्षीय गोविंद दास पटेरिया का शव खेत पर बने मकान के पास पड़ा मिला। सुबह परिजनों ने जैसे ही देखा तो शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है, घटना से अवगत कराया है। जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी सीताराम फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का बारीकी से जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक गोविंद दास के सिर में धारदार हथियार से प्रहार किया है। सिर फटने से अधिक मात्रा में खून निकलने से मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बारे में मृतक के परिजनों से पूछताछ की, पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस चीज़ की जानकारी तो नहीं है। सुबह जैसे उनका पत्र खेत पे आया तो उसने गेट खोल के देखा कि अभी तक 45 रुपये थे, नहीं थे 8:30 बजे के लाइन देखा तो वो अंदर खून से लथपथ पड़े हुए थे। और उसने फिर गाँव के हम लोगों को सबको फोन लगाया, हम लोग मौके पर पहुँची, पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस SSL एडिशनल साहब SDOP TI थाना प्रभारी बताया, सब लोग मौके पर पहुँचे, उन्होंने अपनी जाँच की। अब हम लोग लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं। इतनी जानकारी कितने बजे सुबह आए थे देखने? सुबह 7:30-8 बजे के लगभग। तो इसके बाद माना सभी लोगों को, हाँ, इसके बाद गांव वालों को। अच्छा, इनकी किसी से रंजिश चलती थी क्या? अब गांव में तो इनके किसी से कोई रंजिश नहीं है, अभी कोई इसकी मतलब जानकारी नहीं है। देखो पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, जल्दी उसमें जानकारी आएगी। सामने सूचना मिली आपको? सतारा में एक मर्डर की सूचना मिली है, हमारी वहाँ लड़की है, हमारे और हमारी ऑफिसर टीम भी लगी है, तो उससे दिन पहले उसकी जाँच की जा रही है। जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वो शायद पैसा या उधार देता था, तो उस पहलुओं पर और क्या क्या उसके परिवार में कौन कौन है, सभी की पृष्ठभूमि की जाँच की जा रही है। और लास्ट टाइम उनको किसने देखना, तो उस आधार पर जल्दी हम खुलासा करेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्या वजह रही है और किसने किया। सर, कानून व्यवस्था को लेकर अभी क्या प्राथमिकता है? कानून व्यवस्था को लेकर अभी तो प्राथमिकता यह है कि जो भी त्यौहार हैं, जैसे रामनवमी का त्यौहार है, हनुमान जयंती है, ईद है, तो यही सभी त्यौहार शांतिपूर्ण है, ये हमारे सबसे। ठीक है।